आयोजक है मटकू मंगलम टावर बोलघर गोरखपुर। 24 मार्च से शुरू होने वाले बोर्ड परीक्षा को सकुशल संपन्न कराने के लिए प्रदेश के मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र ने सभी जिलों के प्रशासनिक अधिकारियों और पुलिस अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से की बैठक। सभी जिलों के अधिकारियों को नकल विहीन परीक्षा संपन्न कराने के लिए दिए निर्देश। उन्नीसवां शनिवार को मनाया जाएगा सामाजिक समरसता, सद्भाव, भाईचारा और सौहार्द के रंगों से सराबोर होलिकोत्सव का पर्व। 17 मार्च के रात्रि 12:57 के बाद होगा होलिका दहन। गोरखनाथ मंदिर के प्रधान पुजारी योगी कमलनाथ ने दी जानकारी। कैंट थाना क्षेत्र के दाऊदपुर उत्तरी में स्थित एक मकान के पीछे सोमवार की देर शाम मिला युवती का शव। सीओ कैंट ने कहा, प्रथम दृष्टया मामला सुसाइड का। शव को कब्जे में लेकर भेजा गया पोस्टमार्टम के लिए। रिपोर्ट आने के बाद स्थिति हो जाएगी स्पष्ट। विधान परिषद स्थानीय प्राधिकरण निर्वाचन क्षेत्र के चुनाव के लिए नामांकन पत्र के खरीदारी का कार्य हुआ प्रारंभ। उप जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा, मंगलवार को 6 प्रत्याशियों ने खरीदा पर्चा। 9 अप्रैल को पड़ेगा वोट, 12 अप्रैल को होगी वोटों की गिनती। उन्नीस मार्च को होली वाले दिन जिले की सभी शराब की दुकानें रहेंगी बंद। जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने कहा, आपसी सौहार्द व भाईचारे के साथ मनाए होली का पर्व। संदिग्ध व्यक्ति दिखने पर तुरंत दे 112 पर पुलिस को सूचना। खुले में मसाले बिकने की शिकायत पर खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने सिटी मॉल में स्थित स्पेंसर स्टोर पर मारा छापा। सौंफ व दालचीनी का नमूना किया संग्रहित। पैकेज्ड फूड प्रोडक्ट के रख रखाव के बारे में स्टोर मैनेजर को किया जागरूक। मार्च को राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस के अवसर पर 12 से 14 वर्ष के बच्चों को भी लगेगा कोरोना रोधी टीका। बुधवार को सुबह 11 बजे जिलाधिकारी विजय किरण आनंद द्वारा महाराणा प्रताप इंटर कॉलेज के प्रांगण में किया जाएगा टीकाकरण का शुभारंभ। सीएमओ डॉक्टर आशुतोष कुमार दुबे ने दी जानकारी। पीएम स्वनिधि योजना के संबंध में जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने डूरा के अधिकारियों के साथ कलेक्ट्रेट सभागार में की बैठक। बैंक अधिकारियों को वेंडरों को समय से लोन उपलब्ध करवाने के दिए निर्देश। होली के दिन निकलने वाले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की शोभा यात्रा के रास्ते में पड़ने वाले बिजली के तार और केबल को बिजली विभाग करवा रहा है ऊंचा, ताकि न होने पाए मुख्यमंत्री की शोभा यात्रा में किसी प्रकार की परेशानी। अपर निदेशक चिकित्सा स्वास्थ्य परिवार कल्याण डॉक्टर रमेश गोयल ने जिला अस्पताल के सभागार में 6 रोग उन्मूलन की मंडलीय समीक्षा बैठक। इंडिकेटर्स मानक के अनुरूप रखने के लिए अधिकारियों को दिए निर्देश। अंतर जनपदीय जहर खुरानी करने वाले गैंग के 4 अभियुक्तों को कैंट पुलिस ने किया गिरफ्तार। चोरी के सामान सहित 200 ग्राम नशीला पदार्थ किया बरामद, भेजा जेल। नगर निगम के द्वारा खरीदी जा रही है 6 बुलडोजर, 12 पोकलेन और 25 टाटा मैजिक गाड़ी। नगर आयुक्त अविनाश कुमार सिंह ने कहा, इस खरीदारी से नगर निगम की सक्रियता में होगी बढ़ोतरी। पुराने मीटर वाले उपभोक्ताओं को मीटर रीडर के द्वारा बिल निकालने पर रहना चाहिए सतर्क, रहे जागरूक। स्मार्ट मीटर वाले उपभोक्ताओं को नहीं करना पड़ता है परेशानियों का सामना। गोरखपुर में मंगलवार को पाए गए 2 नए कोरोना संक्रमित मरीज। जिले में अब एक्टिव केस की संख्या हुई 224। सीएमओ डॉक्टर आशुतोष कुमार दुबे ने की पुष्टि। और 16 मार्च से बोर्ड परीक्षा के लिए सभी विद्यालयों में प्रवेश पत्र का किया जाएगा वितरण। छात्र ऑनलाइन भी डाउनलोड कर सकेंगे प्रवेश पत्र। DIOS ने कहा, 24 मार्च से CCTV की निगरानी में शुरू होगा बोर्ड परीक्षा, करवाई जाएगी नकल विहीन परीक्षा।